हेलो बच्चों, कैसे हो? चालू करते हैं अब हम लोग 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का. ठीक है, 11th तक सारे क्वेश्चन सबने कर लिए, इजी थे, नॉर्मल थे. सब में हमारे पास ट्रिक आ जाती थी, लास्ट में 111 मिल जाता था और इजीली हमारा काम. देखो, 111 आने के बाद तुम लोग 2-0 लाना तुम्हारे लिए बहुत मजाक है. ठीक है, यहाँ पे बस तुम्हें अपनी स्टेप पे प्लस माइनस पे भरोसा होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नाउ इस पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन देखो, 1 - x³ का होल स्क्वायर है. 1 - x³, थोड़ा सा हिंट दूं तुम लोगों को मैं यहाँ पे, क्या लग रहा है? हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, हिंट ले लो यहाँ पे मुझसे एक बार. क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे a³ - b³ आने वाला है. a - b, a² + b² + ab. ठीक है, यहाँ पे ये मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ताकि ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है. सिर्फ आएगा ये नहीं कह सकते, आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका खोलूँ, 1 - x³ खोलूँ बच्चों, तो क्या मिलेगा? 1 - x और 1 + x² + x. ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, मतलब ये चाहिए ऐसे, 2 चाहिए मुझे. कैसे? ऐसे 2 चाहिए. चलो अब हम लोग कोशिश करते हैं. तो ये वाला, ये देखो ये बहुत इजीली मिल रहा है. देखो, किसी रो या किसी कॉलम को ऐड करने से मिल रहा है, जरा खुद दिखाओ दिमाग. क्या कोई रो या कॉलम को ऐड करूं तो मुझे ये चीज मिल रही है क्या? लगाओ दिमाग, लगाओ मन में कमांड, लगाओ. मिल रहा है? इधर सर, रो कॉलम दोनों में मिल रहा है. ठीक है यार सर, कुछ भी कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो R1 = R1 + R2 + R3. मेरे मन में जो आया, अगर रो और कॉलम दोनों को करने से मिल रहा है तो तुम्हारी जो इच्छा वो लगाओ. ठीक है, यहाँ पे नौ 1 + x + x² इन तीनों को देखो, 1 + x + x² इन तीनों को देखो, 1 + x + x² रिमेनिंग पार्ट वी विल राइट एज इट इज. डन. कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है कहां से? आ रहा है कॉमन फर्स्ट रो से. टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, 1 + x + x² क्या बचा? 1 9 तुम्हें तुम्हारे 1 मिल गए, अपन को हमारे 1 मिल गए. अब 0 लाना बच्चों का खेल है. किसको माइनस करें? कमांड लगाओ, सोचो मन में कमांड, सोचो पहले रो या कॉलम. कॉलम C1 - C3 और एक C2 - C3. तो C1 = C1 - C3 और C2 = C2 - C3. ये तरीका याद है ना, अलर्ट टीचर से मत चले जाना, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, इसमें तुम्हारी गलतियां कम होगी. ठीक है, नाउ एज इट इज लगाओ कमांड. 1 - 1 0 x² - x. क्या बोला मैं? x² - x. तो मैं x कॉमन निकालूं पहले ही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे ऐसे करा मैंने, ये इसको माइनस किया, जैसे x कॉमन आया और क्या बचा? x - 1. इधर क्या आया? x - 1. इसको इस माइनस, नाउ यूजिंग दिस कमांड 0 1 - x x² - 1 रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन सेम. इसको हटाओ, कॉमन ले लूं, पर नहीं लेता हूं, तुम्हारी दिक्कत में, तुम लोग दिक्कत में आ जाओगे, तुम सोचोगे कैसे कर दिया सर ने. नाउ 0 मुझे लाना क्या है? 1 - x. क्या लाना है मुझे बच्चों? 1 - x. तो इसको बना दूं 1 - x. आई थिंक यू नो कि अगर a - b है और उसको मुझे b - a लिखना है, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से? कॉमन. ये तरीके ध्यान रखना. तो माइनस ले लिया और 1 - x हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? 1 - x. ये ऑलरेडी है 1 - x, जरा खोपड़ी घुमाओ उसके बारे में. ये क्या बनेगा तुम्हारा? x + 1 और x - 1, 1 x एंड 1. इधर मुझे पता है लोचा आ रहा है, इधर क्या करना पड़ेगा? हमको -1 बचेगा. अच्छा कॉमन ले ले, C1 से कॉमन आ रहा है और C2 से कॉमन आ रहा है. देखो ना, ये रहा यहाँ से, ये रहा यहाँ, थोड़ा सा हमें कुछ कलाबाजी करनी पड़ेगी, हो जाएगा.
तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन फ्रॉम सी वन एंड सी टू, तो यहां क्या बचेगा, 0 माइनस एक्स माइनस वन, 0 1। यहां ध्यान रखना, मैंने अपने पहले पुराने क्वेश्चन में कहीं करा हुआ है, अपन ने मुझे लेना था 1 माइनस एक्स और यहां क्या है x माइनस वन, तो ये निकल गया क्या बचेगा यहां पे, माइनस वन बचेगा, मतलब माइनस का x प्लस वन, ये बात ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। यहां पे 1x एंड 1 और कॉमन 2 जाए, 2 आए, ठीक है ना, तो साथ में क्या आएगा इनटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर दो चाहिए थे, ये तो 2 आ गए, आ गए ना 2, ऐसे भी 2 चाहिए जिसमें एक आ चुका है, एक लाना है, क्वेश्चन को मर्ज कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सो तो इससे आने वाली वैल्यू क्या है पता होना चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए हम लोगों को, तो इससे क्या आएगा ये चीज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि वो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर में चला जाएंगे, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मजा आ गया, 2 0 आ गए, वो भी रो 1 में, 0 प्लस 0 तुम लोग माने 0 लो, बस रूल के अकॉर्डिंग 1, ये और ये गया माइनस माइनस प्लस, डिफरेंट वेक्टर यूज करते हैं, और माइनस 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 प्लस, क्लियर। क्या बचा हमारे पास, ये तो 0 हटाओ उसको, तो क्या बच्चा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अरे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, और देखो मर्ज कर सकता हूँ इन दोनों को मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सबको पता है कि स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ बच्चों, का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बना जरा देखो, जरा देखो किसका फॉर्मूला बना, 1 माइनस, तो अब हमको हमारा आंसर मिल गया, क्या मिल रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव, क्लियर। ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, कॉपी करें। चलो बच्चों अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, और ये उनमें से एक क्वेश्चन है, और इस कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अब मान लो कि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इसको तो तुम एकदम बुक में एकदम स्टार मार्क कर लो, इस कैटेगरी या ऐसे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन, पर ये तो कंफर्म है कि तुम्हारे बोर्ड्स प्री बोर्ड क्वार्टरली या हाफली में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना देखो कैसे करते हैं, अब मैं थोड़ा क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेमोराइज रखना है इस क्वेश्चन को, कि इसके कंसेप्ट या इसके कमांड जो है ना कैसे करना है, और कोई टफ चीज़ नहीं है, आपका काम देखो क्या है, क्वेश्चन को दो बार किया अपने आप याद होगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन करोगे तुम्हें अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। दूसरा अपना एम, अपना बेसिक कंसेप्ट, मेरा कंसेप्ट क्या था, हमेशा 2-0 लाने हैं, कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक हमें 2-0 लाने हैं, वरना तुम्हारे एग्जाम में 0 आ जाएगा, तो हमें 2-0 लाने हैं, कैसे भी करके लाना है ना। देखो प्रैक्टिस करना कोई बड़ी चीज नहीं है, सब होता है, प्रैक्टिस से हर चीज हो जाती है। देखो मैं कर रहा हूं इसको 0 ला रहा हूं इसके साथ, इसका यूज करके, और एक ये 0 ला रहा हूं इसका यूज करके, प्रोसेस तो याद है अपना, क्या प्रोसेस था अपना, कि C3 के रेस्पेक्ट में। सो मैं कमांड लगाता हूँ बच्चों, C1 इक्वल टू C1 माइनस, देखो कमी क्या है, 2A, 2A है, B नहीं है, तो B से मल्टीप्लाई कर दें, B C3। नेक्स्ट एक और कमांड, C2 इक्वल टू C2 माइनस, ऑलरेडी तो प्लस का साइन लगा दूं, और क्या कमी है यहाँ पे, A की कमी है, तो A C3। बात समझ आई, ध्यान से वापस देखना क्या है यहाँ पे, C2 है, C2 वाला, बाकी जो हो रहा होगा होता रहेगा, मुझे तो जहां फोकस करना है जहां पे 0 आ रहा है,
तो सी टू ये रहा, इससे माइनस तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कमी किसकी थी, ए की थी, तो मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कमी किसकी आ रही थी, बी की कमी थी, तो मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। और दोनों प्लस में थे तो माइनस करना ही था मुझे यहाँ पे, और ये वाला प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था ना। अब देखो पहले C1 के बारे में सोचो और रफली भी कर लो। C1 ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो ये वन का क्या बन गया आपका 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये जीरो हो गया। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, C1 ये रहा माइनस बी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, या बाद में करूं, करो मल्टीप्लाई करो, ये मिलके क्या बना बी कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला हमको। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, यूनी के आंसर कॉपी में देख के कर रहे हो कि आ जाएगा ऐसे, प्रैक्टिस करना रफ में सॉल्व करना, इससे टाइम बचेगा आपका, ठीक है ना। इधर जीरो मिल गया मुझे, जरा यहाँ देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, ये मिल के क्या बना प्लस ए स्क्वायर, तो मुझे मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जरा यहाँ देखो, ध्यान रखना हुआ, अच्छी खासी भारी भारी स्टेप है ये, C2 प्लस A, तो A डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, आराम से करते हैं, प्लस A माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, क्या हुआ ये मर्ज हो के A माइनस का A माइनस ए कॉमन आया बच्चों, देख रहे हो 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है ये रहा, ठीक है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर बचा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस में ये रहा क्यूब, ये क्यूब, और यहाँ से आया कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा अंदर ए स्क्वायर, क्लियर। तो माइनस ऑफ ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। हटाएं इसको, रफ वक्त आई हमारा। नेक्स्ट देखें आप लोग, माइनस टू बी टू ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, चलो सब मेरे साथ हैं यहाँ पे, ये प्लीज स्टेप वापस दोबारा अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो इस स्टेप की, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम लोग शुरू नहीं कर सकते। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमको दो जीरो लाने हैं इसका और इसका यूज करके बाय यूजिंग सी थ्री, क्लियर है आपको यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जरा देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कहाँ से कॉमन आ रहा है, C1 से आ रहा है और C2 से आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, बोलो बोलो खुद से बातें करो, खुद से बोलो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी आया और यहां से भी आया, तो क्या हो गया आपके पास स्क्वायर, तीन चाहिए दो आ गए, एक और लाना है हमको, 1 0 और b 0 1, भाई गायब हो गया ना, निकल गया ना, तो 1 तो बचेगा ना, माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ अब समझदार को पता है, अच्छे से पता है कि दो आ चुके हैं, तीन लाने थे, तो इससे बचा कुचा एक और निकलेगा, तो क्या आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो इससे मर्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, अभी कुछ और भी काम कर लें, इधर एक जीरो को मैंने कैसे कहा, दो जीरो लाने हैं, चलेगा, हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बट एक चीज और सिखाऊंगा आपको, बेटर ये रहेगा कि कोई सी भी एक पूरी रो या पूरी कॉलम
मैं जीरो ले आओ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको भी जीरो बना दूँ ताकि ये पूरी कॉलम में जीरो हो जाएगा। इससे डिटरमिनेंट निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। और इसको कंपेयर में इससे तो कर सकता नहीं हूँ मैं, तो बचेगा कौन, ये वाला। बाकी का जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो एक पूरी कॉलम में दो जीरो चाहिए ताकि डिटरमिनेंट में ईजीली निकाल सकूँ। चलो कमांड बोलो, बोलो बोलो खुद से बोलो कमांड। सोचा क्या कमा लगेगा यहाँ पे, R3 थ्री इक्वल्स टू आर थ्री माइनस बी ऑफ आर वन। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन को b से, माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, जीरो मिलेगा। तो बाकी का तो कॉपी कर लो एज इट इज, जीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल रिमेन सेम। तो क्या बचा मुझे यहाँ पे, माइनस है आर थ्री एरा, ये थोड़ा तमीज से अच्छे से स्लो स्लो करो, माइनस बी, माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करना था माइनस माइनस प्लस टू बी स्क्वायर, तो मुझे मिला वन माइनस ए स्क्वायर, इससे मुझे मिला प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो लिखो ये हटाए इसको, तो अब दो जीरो आ गए, हो जाएगा काम, हो जाएगा। चलो अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट बाय सी वन, पक्का। चलो बाय सी वन से निकाल रहा हूँ, तो ये दो तो जीरो हो गए, ये फायदा मिला मुझे। इससे निकालते हैं पोजीशन क्या है, ए वन वन, वन प्लस वन टू, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस, तो पॉजिटिव में आएगा वन, ये इससे मिला हुआ वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का इधर मिला मुझे माइनस टू ए स्क्वायर, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी दो बच्चे जीरो, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो है वो हमारे। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया हमारे पास, जरा देखो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर विल रिमेन क्या, पॉजिटिव ए स्क्वायर मर्ज हुआ इससे, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू। बच्चों एक बार वापस इक्वेशन देख लो एक बार अच्छे से, एक बार क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया ए से, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बी से। ध्यान रखना मुझे ये दो जीरो लाने हैं, ये प्रोसेस याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो तो याद तो होगा ही होगा, ठीक है। दो जीरो आए, फिर कॉमन आ गया, फिर लास्ट मैंने एक जीरो और बना दिया बी को, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहो तो इसको भी बना सकते हो, इसको इसको तो नहीं बनेगा, कहीं और से कुछ लाना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, पर जो इजी लगा वो ले लिया मैंने। इसको जीरो बनाया, डिटरमिनेंट निकालो तो मैं पक्का तुम्हारा आंसर मिलेगा, श्योर। कॉपी करें बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये मैं वैसे ही बहुत क्लियर कहता हूँ आपको कि इसको भी आपको रटना ही पड़ेगा, या प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि याद हो जाए, ठीक है ना। नींद में भी आया क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ये स्टेप ऐसा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना। और जो प्रोसेस करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन एक और है आर डी शर्मा में, मैं कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है। तो वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट में वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, एनसीईआरटी से बाहर के और कुछ एग्जाम्पल्स, वो हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक आपके लिए मैं एमसीक्यूज के लिए अलग सीरीज निकालूंगा, इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज का, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग, अब देखना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमन लेंगे, देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है रो वन में ए, बट सर ए यहाँ नहीं है। अब एक चीज देखना, जैसे मान लो ए प्लस बी लिखा है मैंने और मैंने ए कॉमन निकाल लिया, तो सर यहाँ तो ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। सर यहाँ तो ए है ही नहीं, आप कॉमन कैसे ले सकते हो, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बी बाय ए। बात समझना, जहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और कॉमन लेना मतलब डालेंगे तो वापस बैलेंस होना चाहिए। देखो वन इंटू ए, ए ये इधर गया तो बी अपॉन ए इंटू ए, तो ए से ए कटा तो क्या आया, वापस बी आ गया, सेम आ गया। तो जब जो जगह उस प्लेस पे चीज़ नहीं हो तो वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। सो टेकिंग कॉमन From
टैगिंग कॉमन, यहाँ पे मैं थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ, ए बी एंड सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, ठीक है। तो जब ए कॉमन आया, यहाँ से बी कॉमन आया और यहाँ से सी कॉमन आया, तो यहाँ पे आया ए प्लस वन अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से आया बी, यहाँ पे बचा सी, यहाँ से निकाला मैंने बी कॉमन, ठीक है, तो ए बचा, बी प्लस वन अपॉन बी और सी, ठीक है, यहाँ से आया सी कॉमन, तो ए बचा, बी बचा, सी, देखो दो सी स्क्वायर, एक तो ले लिया, यहाँ पे सर सी है नहीं, तो वन अपॉन सी आया। क्या बात क्लियर हुई इतनी? अब मुझे लाने हैं दो जीरो, कैसे लाएंगे देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई, इसको मैंने माइनस किया इससे और इधर किया मैंने इससे, या चलो तो और इजी करते हैं अपन, जो अपना कंसेप्ट था, इसको भी बनाते हैं आर वन के थ्रू और इसको भी बनाते हैं अपन आर वन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मत सोचो, चाहो तो इसको जीरो बनाओ यहाँ से यूज़ करके, इधर ले लो, इधर ले लो, पर लाने हैं दो जीरो, क्लियर यहाँ पे। नाउ ए बी और सी लिखा, पहले कमांड डाल देते हम लोग, आर थ्री इक्वल्स टू आर थ्री माइनस आर वन एंड आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको इसमें माइनस किया, इसको इसमें माइनस किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या बात समझ में आई? सो चलो इसको छेड़ा ही नहीं हम लोगों ने, डन, आर टू पे आओ, आर टू पे ये वाला कमांड देखो सब लोग बच्चों, इसको जब इसमें माइनस किया, प्लीज देखो यहाँ पे ए माइनस से माइनस वन अपॉन ए, तो ये और ये कटा, तो मुझे क्या मिला, माइनस वन अपॉन ए, क्लियर है यहाँ पे, माइनस वन अपॉन ए, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखो बी प्लस वन अपॉन बी माइनस बी, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे वन अपॉन बी, क्लियर, डन, यहाँ आया मुझे जीरो, जीरो मिला। नाउ देखो, यहाँ देखो इसका ये वाला आर वन एस माइनस, तो वापस ए माइनस वन अपॉन ए, तो क्या मिला मुझे, माइनस वन अपॉन ए अगेन। चलो फिर देखो, यहाँ आया जीरो, यहाँ इसको इस माइनस किया, तो क्या बचा, सी प्लस वन अपॉन सी माइनस सी, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, वन अपॉन सी, क्या मेरे पास दो जीरो आ गए, क्लियर है यहाँ पे सबको। अब क्या करेंगे देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पूरी कॉलम को C1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A से, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B से और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं C से, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आर सी वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, बी से और सी से। नाउ यू नो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे वाली चीज़ भी आएगी बैलेंस करने के लिए। तो देखो, सी वन इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ सी, सी टू इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ सी टू एंड सी थ्री इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ सी थ्री। तो ये भी सी पुराना, बैलेंस करने के लिए नया ए बी सी। अब ध्यान से देखना, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए, कट के क्या हो गया बच्चों, वन, ये क्या हो गया माइनस वन, दिस विल बिकम माइनस वन, अरे ए से मल्टीप्लाई किया है हमने, ए अपॉन ए वन, ए अपॉन ए वन और माइनस था दूसरा। सो गाइस, हमने मल्टीप्लाई करा था, ये कर लिया हमने मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, बी अपॉन बी, तो क्या बचा, वन। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट लेना है और हमारा काम हो जाएगा। चलो, टेकिंग डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन वन माइनस जीरो माइनस का बी स्क्वायर, इसको लिया तो इसको इसको छोड़ देंगे, माइनस वन वो जीरो आ जाएगा, टेंशन नॉट, प्लस सी स्क्वायर जीरो माइनस माइनस प्लस वन, क्लियर है यहाँ पे। सो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर आ गया, आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड स्क्वायर। सो गाइस देखो एक बार, वापस एक बार ओवरव्यू कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन की इमेज दिमाग बैठ जानी चाहिए और हमको पता होना चाहिए क्या स्टेप और क्या कमांड लगने वाला है। तो हमने कुछ भी नहीं करा है ज़्यादा, कॉमन लिया है फर्स्ट रो, रो वन से, रो टू से, रो थ्री से, ए बी सी, फिर मैंने दो जीरो लाया हूँ मैं इधर से इधर, इसको यूज करके दो जीरो आए, फिर मैंने आर वन सी वन को सी टू सो सी थ्री को मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है बैलेंसिंगली, ये ए बी सी अलग से लाया हूँ मैं, आने के बाद सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे प्रैक्टिस करना और हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सो बच्चों लास्ट दो क्वेश्चन 15 और 16 जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट अब से आपको पता है कि बोर्ड ने एमसीक्यू कंपलसरी कर दिए है, 20 एमसीक्यूज आने लग गए आपके बोर्ड में, तो आपको ये दो क्वेश्चन जो भी हैं हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज में है ये पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ 3-4 क्वेश्चन तो बुक से ही आते हैं, ठीक है, जनरली हम सब लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर अब से नहीं, अब से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। Now, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के ए, ये सिंबल किसका है, डिटरमिनेंट का, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये अगर आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, याद है प्रॉपर्टी क्या थी, के के अंदर अगर कोई एन बाय एन की एक ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो उसका क्या आएगा, के की पावर एन ए, n by n ऑर्डर की हो तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की है, 3x3 की है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, k बाहर आ गया और ऑर्डर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ऑर्डर 4x4 की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4, तो अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन, तो क्या आया हमारे पास, सी ऑप्शन। आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था इसको बुक के ऊपर लिखो, बुक की प्रॉपर्टी तो घूम जाती है, बुक के ऊपर रेड पेन या पेन या ब्लैक पेन से लिखो और याद रखना, आपके स्कूलों में और बोर्ड में आती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है यहाँ पे। चलो लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी आ सकते हैं बोर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है, ठीक है यहाँ पे, और डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है जो एक मैट्रिक्स का आता है, पर डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स, कुछ कुछ सही है पर मैट्रिक्स बोला है इसने, पर इस पर स्पेसिफाई नहीं किया कि मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर है मतलब स्क्वायर भी है या रो सिंपल रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, इसने स्पेसिफाई नहीं किया। तीसरा पढ़ो, डिटरमिनेंट इज ए नंबर, सही है नंबर भी बात सही कर रहा है, एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि जुड़ा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हम सबको पता है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, तो आपको पता है डिटरमिनेंट एक नंबर है एक वैल्यू है जो किससे जुड़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक वैल्यू है जो कि डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। सो आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी अच्छे से, बस इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, गारंटी है श्योरिटी है कि बोर्ड में 4 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही बनेगा। सो थैंक यू।